हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्वेता तिवारी स्क्रैच आउटफिट, और इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा टिल एंड तक, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कटिंग का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और उस कटिंग का वीडियो भी पूरा देखिएगा तो आपको स्टिचिंग में आसानी होगी समझने में। और सर में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ वॉइस को इग्नोर कीजिएगा अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये ड्रेस मैंने श्वेता तिवारी का एक स्क्रैच आउटफिट मैंने बनाया है, और इसको सेम एज इट बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टिच किया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट मैंने ले लिया है, तो टॉप पार्ट को हम इसका मेन फैब्रिक ओपन करेंगे। इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना लाइनिंग का पीस जो कि सेंटून का फैब्रिक है, और इसको अच्छे से इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे। राइट साइड के ऊपर रखेंगे लाइनिंग को, और इसके जो मैंने जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हाफ इंच, तो उतना मैं मार्किंग कर लूँगी। एक साइड तो मेरी मार्किंग है, तो दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारी जो है स्टिचिंग इक्वल आए और मार्जिन हमारा इक्वल ही रहे। तो इसमें हाफ इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो हम उतना ही इसमें स्टिचिंग में लेंगे। तो इसमें पूरे में हम इसी तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इसकी मैं स्टिचिंग मैंने लगा ली है, तो अब इस मार्जिन में मैं छोटे छोटे आप कट्स लगा लेंगे ताकि हमारी जो फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी हो जाए। इसको आप फोल्ड करने के लिए प्रेस की यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप लाइनिंग के पीस में थोड़ा एच पे स्टिचिंग लगा सकते हैं। मैं इसको फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर आयरन कर दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फैब्रिक को स्टिच करते समय भी आपको आयरन का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो और आपकी जो फिनिशिंग है अच्छी आएगी। तो इसका जो सेंटर का पार्ट है उसको हम स्टिच करेंगे। तो सेंटर के पार्ट को हम ले लेंगे जो कि हमने कट किया है। अगर आप कटिंग का वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले कटिंग का वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों पीसेस को ले लेंगे लाइनिंग का और मेन फैब्रिक का। तो इसमें लाइनिंग के पीस के जो पॉइंट्स हैं उसको मैं मार्क कर लेती हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे डार्ट डालेंगे। लाइनिंग के पीस में ही हम डार्ट स्टिच करेंगे, तो ताकि हमारे जो पैड हैं जो हम कफ लगाएंगे वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग के पीस में जो डार्ट्स हैं मैंने डाली हैं, जितना भी आपका कफ साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप मोटी डार्ट डालिएगा। तो इस तरह से हम पैड को इसके सेंटर में मैं सिक्योर कर लूँगी पिन की हेल्प से। तो आप भी इसको ऐसे सेट कर लीजिए ताकि आपको स्टिच करने में आसानी हो। तो पैड्स को हम सेंटर में इस पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, और इसके चारों तरफ से इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। पैड कई तरह से स्टिच किए जाते हैं, तो आप किसी भी तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैंने चारों तरफ से स्टिचिंग लगा के पैड को फिक्स कर लिया है लाइनिंग में। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और इसको इस तरह से सीधा रख लेंगे पलट के, और हमारा जो मेन फैब्रिक है इसको भी इस तरह से पलट के रखेंगे। और इस तरह से हम ये नेक की जो मार्किंग है हमारी इसके ऊपर हम स्टिचिंग लगाएंगे। जितना आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे उतना ही आपको स्टिचिंग में लेना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना है। तो ये देखिए मैंने इसके नेक की जो है स्टिचिंग लगा ली है। अब इसमें भी हम कट्स लगाएंगे, कट्स आपको ज़रूर लगाना है। अगर थोड़ा सा भी राउंड है तो कट्स लगाएंगे तो इससे अच्छे फोल्डिंग जो है अच्छे से हो जाएगी। तो इसको मैं कट्स लगा लूँगी नेक पे, और इसको पलट के या तो आप आयरन कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप प्रेस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपकी जो स्टिचिंग में है फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए इसको मैंने पलट लिया है, आप चाहे तो इसकी एज पे स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एज पे हम नेक के एज पे हम लगाएंगे अपनी लेस। लेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने इस टाइप की ये लेस ली है। तो इसको मैं इस तरह से नेक के ऊपर स्टिच करूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही सेम आपको इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने लेस को लगा लिया है, और जो हमारा फ्रंट का जो टॉप पार्ट था उसको भी हम इस पर फिक्स करेंगे। जो जहाँ पे हमारा नेक आ रहा था हम उस पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग आप पहले ही लगा लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो।
तो अब हम पिन की हेल्प से इसको अपने जो सेंटर पार्ट है और हमारा जो साइड का पार्ट है उसको फिक्स कर लेंगे, तो ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारा पीस जो है इधर उधर ना हो, तो हमारे सेटिंग सही से हो जाए और स्टिचिंग भी अच्छे से लग जाए। तो इसको मैं पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। तो इसको मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब इसके साइड से हम किनारी पे स्टिचिंग लगा देंगे। तो मैं एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी, जैसे कि आपको वाइट कलर का थ्रेड दिख रहा होगा। तो मैंने इसकी स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर भी लेस लगाएंगे। तो सेम जो हमने नेक पे सेंटर में लगाई थी वही लेस को मैं इसके साइड्स में भी यूज़ करूँगी। तो इस चारों तरफ से इसके हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लेस को भी स्टिच कर लिया है पूरा। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो स्टिच हो गया है, इसको हम साइड कर देंगे। अब हम करेंगे बैक पार्ट की स्टिचिंग। तो बैक पार्ट में भी हम पहले नेक को स्टिच करेंगे। तो नेक के लिए भी सेम ऐसे ही हम लाइनिंग का पीस और अपना मेन फैब्रिक को इस तरह से पेस करेंगे और नेक के ऊपर हम स्टिचिंग लगा लेंगे और इसको बाद में पलट के इसके एजेस पे स्टिच लगा लेंगे, ताकि हमारा लाइनिंग और हमारा मेन फैब्रिक फिक्स हो जाए। तो ये मेरा जो बैक पार्ट है वो स्टिच नेक रेडी हो गया है। इसको हम अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से रख के इसके ऊपर से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी जो है शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इसमें जो ड्रेस में स्लीव्स हैं वो मेन है, स्लीव्स का ही जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा हैवी स्लीव्स को रखा गया है। तो सेम ऐसे ही मैंने स्लीव्स को भी इसमें हैवी रखने की कोशिश की है। इसमें मल्टी टाइप की मैंने लेसेस का यूज़ किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 से 5 लेसेस का यूज़ किया था। तो इसमें जो लेसेस का जो प्लेस रहेगा, जाने की जितनी जगह पे हम लेसेस को लगाएंगे उतनी हम पहले मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने इसको मार्क कर लूँगी पहले ही स्लीव्स पे। तो जितनी एल्बो तक हमारी आएगी लेसेस, तो यहाँ से मैंने मार्क कर लिया है, नाप लिया है कि कितनी हमारी एल्बो कहाँ तक आ रही है स्लीव्स में, तो उसमें हम मार्क कर लेंगे। तो यहीं से मैं स्केल की मोटाई के अकॉर्डिंग ही मैं इसमें मार्किंग कर लूँगी स्ट्रेट लाइन की, ताकि जब हम लेस को अटैच करें, स्टिच करें अपने स्लीव्स पे, तो स्ट्रेट लगें और कहीं भी तिरछी ना हो, क्योंकि फैब्रिक जो है काफ़ी लाइट वेट है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से ही मार्किंग को कर लेंगे। तो मैंने सारी मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं सारी लेसेस को इसमें अटैच करूँगी। तो सबसे पहले स्लीव्स में फोल्डिंग कर लेंगे, बॉटम की फोल्डिंग कर लेंगे। जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही आप फोल्ड कीजिए। मैंने 1 इंच लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी बॉटम की फोल्डिंग कर लूँगी। तो अब हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये पर्पल कलर की लेस को लिया है, पतली सी लेस है 1/2 इंच की। तो सबसे एज पे जो है फर्स्ट के वहाँ पे मैं ये वाली लेस को अटैच करूँगी। उसके बाद मैंने दूसरा लेस लिया था, ये थोड़ा सा 1 इंच की विड्थ का लेस है, हल्का लाइट गोल्डन है, इसको मैं लगाऊंगी। लेस में कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप सेम एज इट ही लगाएं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी लेस इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स लेस का यूज़ किया गया है। मैंने एक मोती वाली लेस का भी यूज़ किया था, मल्टी कलर की लेस का भी यूज़ किया था, और इसमें एक और लेस है जो कि उसको क्या बोलते हैं, हाँ वो जो कौड़ी वाली जो लेस होती है वो मेन इसमें थी, जिसकी वजह से स्लीव्स का लुक ही अलग हो गया था। वो लेस मुझे पहले मिली नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे वो लेस मिली, तो इसलिए वो लेस को मैंने बाद में लगाया था, स्लीव्स को स्टिच नहीं किया था। तो मैंने वो लास्ट में लेस को इसमें अटैच किया था, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया था स्लीव्स में, ताकि उस लेस को मैं अटैच कर सकूँ। तो इसी तरह से आप इसको दोहराते हुए 3 टाइम मैंने इस लेस को इस तरह से लगाया है। तो दोनों स्लीव्स में मैंने लेस को अटैच कर लिया है, ये देखिए। तो इसमें अभी मैंने वो कौड़ी वाली जो लेस है वो नहीं लगाई थी, बाद में मैं लाई थी, तो ये वाली लेस मैंने ली थी, ये 2 मीटर लेस लगभग लग गई थी। तो मैंने ये इस लेस को इसमें बाद में स्टिच कर लिया था। तो इससे स्लीव्स का लुक बहुत ही अच्छा आ गया था, क्योंकि जो श्वेता तिवारी ने ड्रेस को वेयर किया है उसमें भी कौड़ी वाली लेस का यूज़ किया गया है, इसलिए मैंने ये लेस ज़रूरी समझा लगाना, ताकि सेम एज इट लुक आ जाए।
तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्लीव्स को हमने अपने टॉप पे मैंने अटैच कर लिया है स्लीव्स को। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटम पार्ट है, जो फ्लेयर है, उसको हम स्टिच करेंगे। तो कलियों को हम स्टिच करेंगे, इसमें कलियों का हमने यूज़ किया था। तो कली को ये देखिए मैंने गुम स्टिच से बनाया है, अटैच किया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक था इसमें जो थ्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। या तो आप इसको ओवरलॉक करवाएँ, और या तो जिस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टिच कर लेंगे तो आपके जो थ्रेड्स हैं वो कवर हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। तो दो कली को मैंने ले लिया है, तो इसमें मैं मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि कौन सा राइट साइड है, कौन सा रॉन्ग साइड है। ये दोनों ऊपर के राइट साइड है कली के, और नीचे का जो हिस्सा है वो रॉन्ग साइड है। तो दोनों पे मैंने मार्किंग करके आपको दिखा दिया है। और ये हमने क्या करना है, कलियों को राइट साइड रखना है और इसको इस तरह से पकड़ना है, इसको दोनों पल्लों को मिलाते हुए इसके बिल्कुल पैर की सिलाई लगानी है। जितना मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ इतना ही आपके मशीन के पैर के जितना नाप लेते हुए इसमें स्टिचिंग लगानी है, बिल्कुल ज़रा सी। तो राइट साइड पे आपको स्टिचिंग लगानी है। तो पहले मैं इसकी स्टिचिंग लगा लेती हूँ। देखिए मैंने पैर की इसमें स्टिचिंग लगा ली है, जो राइट साइड की तरफ मार्जिन आया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस पर या तो आप प्रेस कर लीजिए ताकि ये फैब्रिक एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फोल्ड ना हो, या तो नाखून की हेल्प से इसको क्रीज कर लीजिए ताकि ये जो है फ्लैट हो जाए, एकदम स्टिचिंग सेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे। जितना भी मार्जिन हमने अंदर की तरफ लिया था राइट साइड के की तरफ, उसको हम रॉन्ग साइड की तरफ जो पलटेंगे तो उसमें हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। पहले हमने एक पैर का लिया था, अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे ताकि जो अंदर मार्जिन हमने स्टिच किया है वो पूरा का पूरा हमारे सेकेंड स्टिचिंग के अंदर दब जाए, ताकि वो राइट साइड की तरफ बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है एजिस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और आपका थ्रेड बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और कपड़ा आपका जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। तो इसी तरह से सारी कलियों को हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरी स्टिच कर ली है। तो सेम एज इट आपको सारी कलियों को स्टिच कर लेना है। इसमें टोटल 28 कली थी और बहुत ही हैवी फ्लेयर था, इसमें बहुत ज़्यादा फुल फ्लेयर था। और इसमें मैंने फैब्रिक ओनली 4 मीटर ही यूज़ किया था क्योंकि उस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा थी। तो अब हम कलियों में क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये इस पतली सी लेस को लिया है और इसमें एक कली को छोड़ के एक कली में मैंने इस लेस को यूज़ किया है। इसमें मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही इस लेस को यूज़ किया था, बैक पार्ट में नहीं। एक्चुअली लेस कम पड़ गया था और मुझे दोबारा वो लेस मिली ही नहीं पाया था सेम एज इट, तो मुझे मैंने इसमें फ्रंट में ही सिर्फ डिज़ाइनिंग को किया था। आप चाहें तो पूरे सारी कलियों में कर सकते हैं या एक छोड़ के एक कली में कर सकते हैं, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये इसका लुक और भी हैवी हो जाएगा। तो मैंने फ्रंट पार्ट में एक कली को छोड़ के एक कली में लेसेस को लगा लिया है। अब मैंने ये दूसरी लेस ली है जो कि मैंने पैचेस के रूप में यूज़ किया है। इसमें ये फ्लावर्स बने हुए थे, सीक्वेंस थे फ्लावर्स थे, तो इसको मैंने छोटे छोटे ये फ्लावर को अलग कट कर लिया था। और मैं इसमें जो लेस हमने पतली वाली जो लेस पहले स्ट्रेट कलियों के बीच में लगाई है उसमें थोड़े से गैप देते हुए आपको ये जो है फ्लावर्स आपको अटैच कर लेने हैं। मैंने इसको मशीन से ही अटैच कर लिया था। आप चाहे तो हैंड से कर सकते हैं या मशीन से ही कर सकते हैं। तो सारे फ्लावर्स को मैंने अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है, तो मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया था। कलीज वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका नीचे का लाइनिंग का पार्ट स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग का पार्ट मैंने नीचे फोल्ड कर लेना है, आपको नीचे वाला हिस्सा जो है उसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने राइट साइड पे आपको लाइनिंग रख के दिखा दिया था, बट आपको बैक साइड पे रखना है, इसके रॉन्ग साइड पे लाइनिंग को रख के इसको पहले इसके वेस्ट से अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना टॉप पार्ट लेना है, इसको टॉप पार्ट के साथ फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को मैंने अटैच कर लिया है। इसमें भी मैंने गुम टाइप से स्टिचिंग लगाई थी जैसे कलियों में लगाई थी, सेम एज इट। और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, साइड के फिटिंग की स्टिचिंग देंगे। तो फिटिंग की मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ हिप्स तक आपको इस तरह से स्टिच करना है। उसके बाद जो है दोनों फ्लेयर को अलग अलग स्टिच करना है, यानी कि लाइनिंग का
और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अलग अलग स्टिच करना है। तो यहाँ से स्लीव्स को स्टिच करते हुए पूरी स्टिचिंग लगानी है आपको। तो ये देखिए मैंने पूरी स्टिचिंग लगा ली है, पूरा जो ड्रेस है मैंने साइड से स्टिच कर लिया है, फिटिंग की स्टिचिंग हमारी पूरी लग चुकी है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे हमारा मेन फैब्रिक का। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये पट्टी का यूज़ किया है, ये लाइनिंग का पीस जो है उसको यूज़ किया था। ये 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, बाकी लेंथ तो आप अपने फ्लेयर के अकॉर्डिंग ले लेंगे जितनी है। और इसको हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हैं, इसमें स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है और दूसरी साइड लाइनिंग के पीस में किनारे को भी मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया था, ताकि इसको पलट के जब हम स्टिचिंग लगाएंगे तो हमें बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपली आपको स्टिचिंग कर लेनी है। इसमें आप या तो हेमिंग कर सकते हैं या फिर मशीन से स्टिचिंग लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने स्टिचिंग लगाया था। तो ये देखिए पूरा फिनिशिंग हो चुका है, ड्रेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। कटिंग का वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, प्रेस करने से ये इसकी जो प्लीट्स हैं, जो कलियां हैं, वो अच्छे से सेट हो जाएंगी और इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो इसको मैं वेयर करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए वेयर करने के बाद ये ऐसा दिखता था, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। गर्लिश ड्रेस है ये, गर्ल्स के लिए मोस्टली अच्छा है, पार्टी वेयर है। आप शादी पार्टी में किसी में भी वेयर कर सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में भी इसको वेयर कर सकते हैं, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ड्रेस अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।